गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं अभिषेक स्टेक के अंदर। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो मोदी जी ने शुरू किया था 2 दिन पहले, तो उसको जो लेके सेकंड ट्रांच ऑफ अनाउंसमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने आज की है, तो उनका हम एक यूपीएससी स्पेसिफिक एनालिसिस करने वाले हैं कि हमें कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन से हाईलाइट्स का ध्यान रखना है अपने यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पेपर के अंदर। तो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। ओके, अब जो आज की वीडियो के लिए जो प्रेजेंटेशन मैं यूज कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली ऐड इट टू योर नोट्स। पर साथ में आप पेन और पेपर भी लेके बैठे, क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी जो हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे तो वो आप अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो विदाउट फर्दर अड्यू हम शुरू करते हैं। अब जब ये ट्रांचे अनाउंसमेंट्स हुई हमारे पास, तो थोड़ा सा एक बार आप कह लीजिए कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी भी आई कि कुछ हो तो रहा नहीं, खास तौर पे कुछ हेल्प्स तो मिल नहीं रही, या फिर आप ये कह लीजिए कि एक कंपैशनेट एंगल नहीं देखने को आ रहा था। तो आज के दिन में जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द माइग्रेंट लेबर, फार्मर्स एंड कॉमन मैन, द मिडिल क्लास। सो दैट्स वेयर द फोकस हैज बीन टुडे, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उससे बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में कोरिलेट नहीं कर पाते। ऑल्दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है, लेकिन फिर भी उतनी कोरिलेशन डायरेक्ट लेवल पे सर्विस क्लास के अंदर नहीं आ पाती। तो वो कोरिलेशन जो है वो आज आनी थोड़ी बहुत शुरू हुई है और एग्रीकल्चरल कम्युनिटी के अंदर भी वो आनी शुरू हुई है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आज जो फोकस रहा वो प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर को लेकर ज्यादा रहा, कल का जो फोकस था वो सेकेंडरी सेक्टर को लेकर ज्यादा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल की वीडियो के अंदर जो आपने देखा होगा, आज तक जो अनाउंस किया गया था, तो 20 लाख करोड़ का हमारा टोटल पैकेज होने वाला था। और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में से ऑलरेडी गवर्नमेंट और आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं दे अमाउंट टू 9.74 लाख करोड़ रुपीस। उसके बाद जब 13 मई को जो अनाउंसमेंट्स की गई उनके अंदर जो ट्रांचे था दैट वॉज अराउंड 5.94 लाख करोड़ रुपीज, दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ येस्टरडेज ट्रांचे। ओके, so today the announcements now that are left for were for 4.32 lakh crore rupees. तो इसमें से आज और कल, that means 14th and 15th of May की announcements होनी है। तो इसमें से almost आधी आज absorb हो चुकी हैं, so we will see कि ये कहाँ कहाँ हुई। कल की जो announcements थी उसको लेके कुछ reflections already आने शुरू हो गए हैं और government के against एक criticism level किया जा रहा है, that we must discuss that the government's skin in the game is mostly limited to credit guarantees. So basically government ki jo sare ka sara impetus hai ya limitations hai wo credit guarantee tak hi simit hai, jisme se unhone jo jinka exposure zyada hai usko leke credit guarantees full credit guarantee tak ki li hai. humne kal discuss kiya tha ki jo 100 crore ya usse aage ki companies hain jinka turnover hai jo chal raha hai to unke liye loans bade hain aur unke liye 100% credit guarantee bhi hai, lekin jo chote udyog hain jinke credit accounts itne strong nahi hai unke liye ek limited ya partial credit guarantee aap keh lijiye wo hai. to humne kal iske liye discussion already ki thi. to basically jo credit guarantees hain ultimately unko take up karne ke liye kaun kaun se aise funds hain ya various instruments hain jo government use karti hai wo aapko dhyan rakhna hai. तो सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड फंड है दैट इज CGTMSE, दैट इज क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, तो प्रीलिम्स में इसको आपने प्रॉपरली तरीके से याद करके जाना है CGTMSE को। और इसकी जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये कैसे कोरिलेटेड है ये सब आपने देखना है। ठीक है, और गवर्नमेंट बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्योंकि इतना सारा जो एफर्ट है वो लगा रही है, इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह पे आपके यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के डिस्कशंस के ऊपर कि क्या क्या इन्होंने एज सेकेंड ट्रांच है पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स के लिए जो अनाउंसमेंट्स लेके आए हैं वो देखनी है। सो लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी provided post COVID. So basically 3 crore farmers with agricultural loans of around 4.22 lakh crore availed the benefit of 3-month loan moratorium. So basically jo loan moratorium tha 3 mahine ka uska unhone fayda uthaya hai. Then interest subvention and prompt repayment incentive
ऑन क्रॉप लोन्स ड्यू फ्रॉम 1 मार्च एक्सटेंडेड अप टू 31 मई। तो बेसिकली 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो है, फार्मर ने जो एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया था उनको एज इट इज, सॉरी 1 मार्च से लेके 31 मई तक, तो उनको एज इट इज कोई भी इस पे इंटरेस्ट जो है उसमें रियायत मिलेगी। अब वो कितनी रियायत मिलेगी वो देखने वाली बात है। ओके, देन 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन विद ए लोन लिमिट ऑफ ₹25,000 करोड़। सो बेसिकली मोर एंड मोर फार्मर्स विल बी एबल टू हैव अ बेनिफिट ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड, तो जिसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट सबवेंशन का जो एलिमेंट है वो इनबिल्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो लिक्विडिटी सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी, तो ये कैसे किया जा रहा है, किस तरह से कैश इंश्योर किया जा रहा है रूरल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सो इट हैज बीन स्टेटेड दैट 63 लाख लोन्स ऑफ अराउंड 86,000 करोड़ रुपीज अप्रूव्ड इन एग्रीकल्चर बिटवीन मार्च 1 मार्च एंड 30 अप्रैल। सो बेसिकली द गवर्नमेंट इज गिविंग डेटा फॉर द कोविड मंथ्स हेयर, तो 2 महीने के अंदर अंदर इतना जो लोन है वो सैंक्शन किया गया है। तो कहने का मतलब जो आरबीआई की तरफ से पैकेज आ रहा था उसको थोड़ा बहुत आगे लेंडिंग किया गया है। देन रीफाइनेंसिंग ऑफ अराउंड 29,500 करोड़ प्रोवाइडेड बाय नबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स इन मार्च 2020। सो ओनली इन द मंथ ऑफ मार्च दिस मच रीफाइनेंसिंग हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। एंड सपोर्ट ऑफ ₹4,200 करोड़ प्रोवाइडेड अंडर RIDF टू स्टेट्स ड्यूरिंग मार्च 2020। सो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है उसके थ्रू भी पैसे जो है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑलरेडी पास ऑन किए गए हैं। इससे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने बलबूते पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट। देन वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ ₹6,700 करोड़ सैंक्शन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज सिंस मार्च 2020। सो बेसिकली जो अभी खरीद चल रही थी फसल की, तो उसके लिए जो पैसा है वो सैंक्शन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट इज बीइंग हाईलाइटेड। तो ये जो सारा पैसा है, जो सारी लिक्विडिटी है, ये अल्टीमेटली हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी पे असर डालेगी पॉजिटिवली, वहां पे इम्पैक्ट इसका आना चाहिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑलरेडी जो काम कर चुकी है वो अब तक गिना रही है, तो आगे इन्होंने एक्चुअल में दिया क्या है तो वो देखने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोर्ट फॉर माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स, सो व्हाट ऑल हैज बीन गिवन, तो फिर से थोड़ा सा गिनाने की बात है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू यूटिलाइज SDRF, दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो आपको याद है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो आजकल काफी प्रोएक्टिवली यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो SDRF के फंड्स यूज करने का प्रावधान रखा गया है इसीलिए। सो फॉर सेटिंग अप ऑफ शेल्टर फॉर माइग्रेंट्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद फूड एंड वाटर, सो ये 2 काम करने के लिए इस फंड को यूज करना है। ठीक है, मेन तौर पे आगे और इसकी जो यूटिलाइजेशन है बेटर, लेट्स से मेडिसिन टेस्टिंग एक्सेट्रा, तो वहां पे भी अगर डाइवर्ट करना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, लिमिटेशंस नहीं है, और इस वजह से आप ये वर्ड एक्सेट्रा यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो रिलीज ₹11,002 करोड़ ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडवांस टू ऑल स्टेट्स ऑन 3 अप्रैल टू ऑगमेंट द फंड्स इन देयर SDRF। तो बेसिकली जो हमारा SDRF फंड है उसमें और ज्यादा पैसे अवेलेबल कराए गए हैं फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। ओके, देन हाइजेनिकली प्रिपेयर्ड 3 मील्स अ डे प्रोवाइडेड फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ शेल्टर्स फॉर अर्बन होमलेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन विद इफेक्ट फ्रॉम 28 मार्च 2020, एंड 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव प्रोड्यूस्ड 3 करोड़ मास्क एंड 1.2 लाख लीटर्स ऑफ सैनिटाइजर्स। दिस गेव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी अर्बन पुअर। सो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू ये सारी चीजें बनवा रही है, तो उधर भी एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर की जा रही है, लाइवलीहुड सिक्योर किए जा रहे हैं, सो दैट इज बीइंग डन। ओके, देन डिसबर्सल ऑफ रिवॉल्विंग फंड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वॉज ऑनबोर्डेड ऑन पैसा पोर्टल इन अप्रैल 2020 ऑन पायलट बेसिस इन गुजरात एंड इज नाउ बीइंग रोल्ड आउट अक्रॉस द स्टेट्स इन मई 2020। सो बेसिकली यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं मोर ऑफ देम विल बी ऑनबोर्डेड एंड दे विल बी हेल्पिंग पीपल कमिंग ऑन बोर्ड गेटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट्स लाइवलीहुड्स एंड गेट द कैश रनिंग बेसिकली। देन 7,200 न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ अर्बन पुअर हैव बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग 15 मार्च 2020। तो नए नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NGOs सो दैट दिस मोमेंटम कैन बी सस्टेन्ड, so that the work that is essential for the migrants and the urban poor that can be properly addressed।
सो दिस इज वॉट हैज बिन डन. सो मेनली देखने वाली बात यह है कि सिर्फ पैसा खर्च नहीं किया जा रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेस भी जो है हरकत में लाई जा रही हैं. सो दिस बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट मोर लेवरेज, लॉट मोर यूटिलिटी फॉर द मनी दैट वी आर स्पेंडिंग एट द गवर्नमेंट लेवल. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. MGNREGS, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. सो देर इज अ सपोर्ट गिवन अंडर दिस स्कीम टू द रिटर्निंग माइग्रेंट्स. बेसिकली है क्या इसके अंदर, लेट्स लुक एट दिस. सो वर्क ऑफर्ड टू 2.33 करोड़ वेज सीकर्स येस्टरडे इन 1.87 लाख ग्राम पंचायत. एक दिन के अंदर इतना काम जो है वो सैंक्शन किया गया है. देन 40 to 50% मोर पर्सन्स एनरोल्ड कंपेयर टू मई लास्ट ईयर. एवरेज वेज रेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड टू ₹202 एज कंपेयर टू 182 लास्ट ईयर. एंड ड्राइव बीइंग अंडरटेकन टू एनरोल रिटर्निंग माइग्रेंट. सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग, ताकि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको एटलीस्ट मनरेगा के अंदर काम मिले, एक गारंटीड एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग ट्राइड राइट नाउ. ओके नेक्स्ट. अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ऑलरेडी ये कल ही रैदर उन्होंने मेल करके मुझे पूछा था कि लेबर कोड्स को लेके बहुत ज्यादा बहस चल रही है और समझ नहीं आ रहा है कि किसको फॉलो किया जाए और किसको छोड़ा जाए. तो आज की जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसके अंदर लेबर कोड्स को लेके भी कुछ क्लैरिटी आई है. सो लेट्स सी. अब इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ प्रॉमिसेस बोले हैं कि आगे पाइपलाइन में क्या है लेबर कोड को लेके. तो कुछ हाइलाइट्स और फीचर्स आज की स्पीच के अंदर बताए गए हैं. फुल लेबर कोड अभी लेकिन आना बाकी है. ऑब्वियसली वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू ही आएगा. तो जब वो आएगा हमें उसको तभी कवर करना है जब, क्योंकि मे बी इन 2 to 3 months दैट्स ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस एंड इट मे बी रिवील्ड एंड नोटिफाइड. सो दैट इज द रियल टाइम फॉर अस टू डू इट. अभी के लिए जो हाइलाइट्स हैं वो हमें नजर रखने हैं बस उनके ऊपर. तो दैट इज माई इनसाइट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू कवर इट अप राइट नाउ. ओके सो फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव व्हाट ऑल आर द हाइलाइट्स एंड दीज आर द हाइलाइट्स दैट शुड गो इन टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. लेट्स लुक इन टू दिस. सो बेनिफिट्स फॉर द वर्कर्स दैट आर बींग नाउ कैरीड आउट अंडर द लेबर कोड इज फर्स्ट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ राइट ऑफ मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस. सो दीज टू थिंग्स आर बींग वर्कड आउट. ओके फॉर ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज वर्कर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके देन प्रेजेंटली मिनिमम वेजेस आर एप्लीकेबल ओनली टू 30% ऑफ द वर्कर्स. सो दिस विल बी एक्सटेंडेड टू द रेस्ट ऑफ द 70% ऑल्सो. इट्स अ ह्यूज स्टेप. ओके जैसे आपको याद होगा कि जो फैक्टर्स हम डिटरमिन कर रहे थे, लैंड लेबर लॉ एंड लिक्विडिटी, तो उसमें से जो लॉ वाला पार्ट है उसके ऊपर अब काम करना शुरू हो गई है सरकार साथ साथ. तो लेट्स होप कि इसके अंदर बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट्स आती हैं. देन स्टैचुटरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस्ड एंड दिस विल रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी इन मिनिमम वेज. सो बेसिकली वॉट इज गोइंग टू बी दिस वेज, इज इट गोइंग टू बी इन्फ्लेशन रिलेटेड, दीज आर द फैक्टर्स दैट वी विल बी लुकिंग एट व्हेन द कोड फाइनली कम्स आउट. देन फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस सिंप्लीफाइड लीडिंग टू लेस नंबर ऑफ रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेस एंड बेटर कंप्लायंस. देन अपॉइंटमेंट लेटर फॉर ऑल वर्कर्स, दिस विल प्रमोट फॉर्मलाइजेशन. सो बेसिकली दिस हैज टू हैपन. एंड देन एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर ऑल द एम्प्लॉयज and occupational safety health code also applicable on the establishments in the work of hazardous nature even when they are less than the 10 worker threshold. So basically ye sare occupational safety standards unko abhi lane padenge. So this is good for our labor force which is working at times under very rigorous conditions in the industry. Okay चलिए आगे बढ़ते हैं. सो लेबर कोड्स के और कुछ बेनिफिट्स क्या आने वाले हैं. सो वन इज पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स. तो एसेंशियली हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN. सो मोस्ट ऑफ आर लेबर गेट्स दिस नाउ. ऑल ऑफ देम विल बी एनरोल्ड, सो दैट्स व्हाई UAN विल बी अवेलेबल. सो जितने भी उनके ESIC, EPFO या कुछ भी ऐसे बेनिफिट्स हैं वो साथ ही साथ पोर्टेबल हो जाएंगे. तो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप. देन एक्सटेंशन ऑफ ESIC कवरेज Pan India to all districts and all establishments employing 10 or more employees as against those in notified districts or areas only. तो हर जगह अब जो है ESIC that is Employee State Insurance Corporation, तो उसके अंदर जो कवरेज है हर अदारे के अंदर मिलेगी अगर वहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं. अगर 10 से कम लोग काम करते हैं तो वॉलंटरी बेसिस पे मिलेगी, 10 से ज्यादा है तो वहां पे मैंडेटरली हर एक को देनी पड़ेगी. और अगर हजार्डस इंडस्ट्री है तो उधर चाहे 10 से कम लोग भी काम करें
तो भी ईएसआईसी जो है दैट विल बी मैंडेटरी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईएसआईसी अब कहाँ कहाँ लागू होना है, स्पेसिफिकली इसी के ऊपर प्रिलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, सो यू विल बी वेरी केयरफुल। तो इसको आपने कैरी करना है अपने प्रिलिम्स के लिए, ठीक है। देन लेबर कोड बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स, सो लेट्स लुक एट दैट। सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो ये क्या है बेसिकली? सो देखिए, गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी जो है, ये आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग टर्मिनोलॉजी है। एसेंशली अगर कोई वर्कर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहा है किसी एजेंसी के साथ, तो उसको गिग वर्कर कहते हैं। तो लेट्स से ऊबर के अंदर कोई अपनी कैब डाल रहा है, तो उसकी मर्जी है कि कब तक वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्वाइव करेगा, अगले साल उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है या नहीं। ऊबर की भी मर्जी है और ड्राइवर की भी मर्जी है, दोनों काम करेंगे। इसी तरह से कॉल सेंटर एम्प्लॉयज हैं, इसी तरह से आजकल जैसे ऑनलाइन टीचिंग है सपोज, तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ कोर्डिनेट करके अपने आप को कोऑर्डिनेट करें और ऑनलाइन टीचिंग में आप आए, तो आप वो भी आ सकते हैं। देर आर वेरियस काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच अलाउ यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ, जस्ट लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। सो वहां पे आप अपनी स्किल्स शोकेस करते हैं, एंड देन दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट्स एट योर टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये जो वर्कर्स हैं, अब अगर वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो ये हमारी वर्कफोर्स का 50% के आसपास का हिस्सा जो है वर्ल्ड ओवर, दैट इज गिग वर्कर्स एंड द गिग इकोनॉमी। ओके, सो ये अपना काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, एंड दे कैन ऑलवेज कीप स्विचिंग कंपनीज, कीप स्विचिंग देयर वर्क प्रोफाइल्स एंड डाइवर्सिफाई बेसिकली देयर लाइन ऑफ वर्क, एंड देयर फॉर दे कैन कीप अर्निंग मोर। सो दिस इज अ कंटिन्यूस अडेप्टेशन ऑफ द लेबर फोर्स विच इज स्टार्टेड हैपनिंग, एंड इज अ वेरी गुड फिनोमिना फॉर from the personal point of view and from the industrial point of view also, because the industries, they get to access the labor from around the world with best kind of qualities and skills, and for the labor also they get to work throughout the world. So this is how the gig economy thoroughly works. Okay, चलिए अब इसको समझते हैं कि basically हमारे यहाँ पे होना क्या है इसको लेके। So reskilling the fund introduced for retrenched employees, then all occupations open for women and permitted to work at night with safeguards. So basically 50% of our workforce, which was not allowed to work under full benefits, so now it will be able to. Then provision of social security fund for unorganized workers, अभी ये आना, इसकी nitty-gritty बाकी है कि इसमें आएगा क्या क्या वो सोशल सिक्योरिटी फंड के मीनिंग्स होंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, सो यू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सो विल दे विल वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, सो दिस इज येट टू बी सीन। देन ग्रेच्युटी फॉर ए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर सर्विस एज अगेंस्ट 5 ईयर्स। तो बेसिकली वो जो एक साल अगर आप कोई भी सर्विस पूरी करते हैं तो ग्रेच्युटी के बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये सब जो था लेबर के लिए था। आप देखते हैं कि पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट्स एंड फार्मर्स के लिए सरकार ने क्या क्या घोषणाएं जो हैं वो आज की वीडियो के अंदर या आज के अनाउंसमेंट ट्रांसफर के अंदर की हैं। सो लेट्स लुक इनटू देम वन बाय वन। सो फर्स्ट इज फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स फॉर 2 मंथ्स। सो माइग्रेंट्स इन वेरियस स्टेट्स रिक्वायर फूड ग्रेन असिस्टेंस, तो उसके लिए बेसिकली किया क्या गया है, दोज माइग्रेंट्स हु नाइदर हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट कार्ड, दे विल बी बेसिकली गिवन 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन एंड 1 kg चना पर फैमिली। सो ये एक पर पर्सन और पर फैमिली में डिस्टिंक्शन है, पर मंथ फॉर 2 मंथ्स। तो ये कहीं से भी जाके अपना जो है ये राशन ले सकते हैं, किसी भी पीडीएस शॉप पे जाए, इनको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना है कि मैं माइग्रेंट हूँ। देन अबाउट 8 करोड़ माइग्रेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग अराउंड 3500 करोड़ रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवेंशन on the next 2 months, and the cost will be fully borne by the government of India and not by the state governments. State governments are only responsible for the implementation, identification and distribution. These are the 3 things that they are responsible for, and they will be providing detailed guidelines as per the requirement, because जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं को ठीक से पता होता है कि कहाँ पे कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कहाँ वो प्लेस्ड हैं। तो उनकी बहुत हद तक कुछ रजिस्ट्रेशन भी हैं जो कॉमन थाना के अंदर होती है, क्योंकि आप अगर लेट्स से आपके घर पे कोई एक माइग्रेंट लेबर काम करता है, तो आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि हाँ ठीक है जी, चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है, चाहे वो पार्शली एम्प्लॉयड है आपके पास, तो आप उसकी आधार कार्ड की कॉपी अपने पास रखते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस, उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप कराते हैं अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है आपके पास। तो इस तरह से वो एक डेटा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहता है, तो इस वजह से इम्प्लीमेंटेशन चैनल बेस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Technology system will be used enabling migrants to access PDS ration from any fair price shops in India by March 2021, one nation, one ration card. So essentially, इसमें क्या किया जा रहा है कि अब पिछला जो वो प्रेजेंटेशन पेज था उसमें हमने डिस्कस किया कि चाहे आपके पास NFSA नहीं है, कोई भी राशन कार्ड नहीं है, तो आप क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं. ये वाला जो डिस्कशन है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू जिनके पास राशन कार्ड ऑलरेडी है वो क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं. सो बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है इसके बारे में 2018 में ऑफरिंग इसका शुरू हो गया था, तो बाद में इसको रैशनलाइज किया गया. अब जो है इसके अंदर हम प्रैक्टिकल इसकी यूटिलाइजेशन देख पाएंगे कि जो आधार लिंक्ड इसमें एनरोलमेंट होती है बेसिकली राशन कार्ड के अंदर हर बंदे की, तो अगर राशन कार्ड कहीं और अपने घर पे है और माइग्रेंट लेबर कहीं और काम कर रहा है तो अपना आधार कार्ड यूज करके, सो दैट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, कहीं से भी अपना जो पीडीएस का सैंक्शनिंग है वो ले सकता है. लेट्स से पार्शली जो उसकी एक एंडोमेंट है वो फैमिली ले चुकी है जहां पे भी वो रह रही है, लेकिन जो माइग्रेंट लेबर है जो कहीं और काम कर रहा था घर का एक सदस्य, तो वो अपना आधार कार्ड देके किसी भी पीडीएस शॉप से अपना बेनिफिट जो है वो ले सकता है. सो दिस 100% पोर्टेबिलिटी विल बी अचीव बाय मार्च 2021, दैट इज व्हाट हैज बीन डन. सो ऑलरेडी 67 करोड़ बेनिफिशरीज इन 23 स्टेट्स covering 83% of PDS will be covered by the national portability by August 2020. That is the target. And March 2021 तक ये fully compliant हो जाएगा. खैर, अभी भी बहुत सारे लोग इसकी help ले पाएंगे जो already इसमें enrolled हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next जो intervention government की तरफ से आ रही है, this is something new. That is affordable rental housing complexes for migrant workers and urban poor. So this is very good in terms of urbanization planning because हमारे यहाँ पे जो urban slums का एक issue आता है या फिर congestion का issue आता है या जो high rent cost का issue आता है, तो इससे peripheral areas में slums बनने शुरू हो जाते हैं. तो ये जो areas हैं यहाँ पे जो dealing है government ने करने की कोशिश की है for migrant workers and urban poor. So उसमें अलग अलग तरीके से इसमें interventions करने की कोशिश किया गया है. This will be launched as a, you know, it is still to be launched, it is a future thing, okay. So this will be a scheme under Pradhan Mantri Awas Yojana for migrant labor and urban poor, okay. So isme teen tarah se inko affordable rent ke upar living provide karne ki koshish ki ja rahi hai. So what is that? Let's look into this. So converting government funded housing in the cities into affordable rental housing complexes under PPP through concessionaire mode. So this is how they are going to do it. Then incentivizing manufacturing units, industries and institutions ki wo bhi apne wahan pe ye rental complexes jo hain wo affordable rental complexes bana paye. Then incentivizing state government agencies and central government organizations just as railways and everything to develop affordable rental housing complexes and operate. So this ministry will issue the guidelines for this. अर्बन मिनिस्ट्री जो है वो उसके लिए गाइडलाइंस देगा, तो देन विल कम टू नो कि इसके ऊपर किस तरह से आगे एक्चुअल में काम किया जाएगा. इट इज येट टू बी लॉन्च्ड इन प्रधानमंत्री आवास योजना, बट दिस इज एन इंटरवेंशन. अभी इसके अंदर मनी लूप कितना यूटिलाइज होगा वो देखने की बात है. खैर, गवर्नेंस के लेवल पे या आप कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंटरवेंशन एंड इट्स टाइमली डन. ओके, स्पेशली वेन वी सी there is a Residex and there are certain indices that point out to very high living costs, especially with respect to housing in urban areas that is coming up as industrial hubs, that are coming up as cosmopolitan hubs. So especially in areas like Delhi, Mumbai, this is being done. Okay, chaliye aage dekhte hain. Rupees 1500 crore interest subvention for Mudra Shishu loans. So aapko yaad hoga ki Mudra, that is Micro Units Development and Refinance Agency, to iske andar teen tarah ke loans hote hain, शिशु, किशोर और तरुण. तीन तरह के लोन्स की इसके अंदर कैटेगरी है. ये जो है 50,000 तक है, इसमें जो लोन आपको मिलेगा वो आप स्टूडेंट्स अगर बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं लाइव चैट के अंदर जो अवेलेबल है अभी, तो 5 लाख तक इसमें लोन मिलेगा. तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम 10 लाख तक जो लोन्स की जो क्राइटेरिया है इसमें सेट किया गया है. अब इसमें क्या है, जो शिशु मोड के अंदर इसमें लोन के अंदर जो लोग हैं तो उनको लोन मॉरेटोरियम ऑलरेडी आरबीआई के द्वारा ग्रांट किया गया था. नाउ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इज एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर प्रॉम्प्ट पेज फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. तो जो लोग अपनी प्रॉम्प्ट पेमेंट करेंगे इस मॉरेटोरियम के बाद, तो उनको जो है 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा ऑन दोज
पीपल हु हैव एसेट्स शिशु लोन्स. तो राइट नाउ अराउंड 1.62 लाख करोड़ रुपीज इज द अमाउंट ऑफ शिशु लोन्स एंड देयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अ बेनिफिट ऑफ अराउंड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन. दिस इज अनदर मूवमेंट. सो दिस विल प्रोवाइड अ रिलीफ ऑफ अराउंड 1500 करोड़ रुपीज टू मुद्रा शिशु लोनीस. ओके देन रुपीज 5000 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स. तो हमारे जो रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इनके लिए, इनका लाइवलीहुड प्रोटेक्ट करने के लिए इनको एक वर्किंग कैपिटल. देन रुपीज 70,000 करोड़ बूस्ट टू हाउसिंग सेक्टर एंड मिडिल इनकम ग्रुप थ्रू एक्सटेंशन ऑफ CLSS. ओके सो लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो बेसिकली नाउ लेट्स लुक एट कि गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर के लिए या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स दिए हैं. सो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत कुछ बेनिफिट्स देने की बात कही गई है हमारे जो मिडिल इनकम क्लास है उनके लिए. तो बेनिफिट्स क्या हैं, लेट्स लुक इनटू दिस. आपको याद होगा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं, LIG, MIG1 और MIG2. तो ये तीन कैटेगरीज हैं. इन तीनों कैटेगरीज के अंदर अलग अलग लेवल्स पे इंटरेस्ट सबवेंशन की क्वालिफिकेशन मिलती हैं. तो बेसिकली वही क्वालिफिकेशन पे जो इंटरेस्ट सबवेंशन पहले से हो रहा था उसको बढ़ाया गया है अगले एक साल तक. सो दे हैव एक्सटेंडेड इट अप टू 31st of March 2021 एंड दिस विल बेनिफिट 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज एंड अराउंड 70,000 करोड़ रुपीज हायर इन्वेस्टमेंट विल बी कमिंग इन टू दी हाउसिंग सेक्टर बेस्ड ऑन दिस. दिस विल हेल्प ऑन अ सेकेंडरी लेवल इन क्रिएशन ऑफ फर्दर जॉब्स एंड डिमांड इन स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड अदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो दिस हैज बिन गिवन आउट टू द रियल एस्टेट एंड द मिडिल इनकम सेक्टर और मिडिल इनकम ग्रुप. मूविंग ऑन, सो हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए जो अनाउंसमेंट की गई है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैंपा फंड. सो दे विल बी रिलीज्ड एंड दे विल बी जनरेटिंग अराउंड रुपीज 6,000 करोड़ हियर. वॉट दे विल डू इज दे आर ट्राइंग टू डू अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन वर्क, आर्टिफिशियल रिजनरेशन एंड असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एफर्ट्स, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट. सो दीज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट वर बींग यू नो डन अंडर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. सो दैट्स वेयर द कैंपा फंड्स विल बी यूज्ड. और हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन या आदिवासी जो हैं इनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड दिस विल हेल्प नॉट ओनली जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज बट ऑल्सो इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज. दिस इज द फैक्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर. ओके मूविंग ऑन, रुपीज 30,000 करोड़ एडिशनल एमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड फॉर फार्मर्स थ्रू नबार्ड. सो बेसिकली नबार्ड जो है ऑलरेडी 90,000 करोड़ की जो रीफाइनेंसिंग है वो कर चुका है और इसके ओवर एंड अबाउ करीब 30,000 करोड़ की जो रीफाइनेंस फैसिलिटी है वो नबार्ड के थ्रू एक्स्ट्रा सैंक्शन की जाएगी मार्केट के अंदर. सो दिस विल बी अवेलेबल टू योर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, DCCBs, या एंड दिस विल हेल्प इन मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सो अराउंड 3 करोड़ ऑफ देम. एंड दिस विल हेल्प इन मीटिंग पोस्ट हार्वेस्ट एंड करंट खारिफ रिक्वायरमेंट्स इन मे एंड जून. बेसिकली जो उनको अभी अपना काम चलाने के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए वो जो कैश की समस्या है उसको हल करने का यहाँ पे एक प्रयत्न सरकार के द्वारा किया जा रहा है. आगे देखते हैं, लास्ट जो अनाउंसमेंट की गई दैट वाज रुपीज 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड विल बी डन एंड फॉर दिस देयर इज अ स्पेशल ड्राइव विल बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट न्यू पीएम किसान बेनिफिशरीज. ओके एंड फिशरमैन एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स विल ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन दिस ड्राइव. आपको याद होगा जो हमारा बजट 2021 है उसके अंदर ये एक अनाउंसमेंट ऑलरेडी की गई थी दैट दीज किसान क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स विल नाउ बी अवेलेबल टू द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स ऑल्सो. सो दिस इज वॉट इज नाउ बींग डन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम विच इज बींग नाउ इम्प्लीमेंटेड वॉट वॉज बींग अनाउंसड इन द बजट. ओके so this will benefit around 2.5 crore farmers and around 2 lakh crore rupees of credit flow will be given here. Okay so most of the efforts that have been done in tranche 1 and tranche 2 by the government we see are trying to ensure credit flow, and what the government is trying to do is provide credit guarantee in one way or the other. And today what we have seen is that the government is trying to provide interest subvention on this credit,
बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस इंटरेस्ट सबवेंशन इज वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक एंड दैट टू इज लिमिटेड टू ओनली अ फ्यू सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड नॉट द होल. मे बी यू आर गिविंग इट टू शिशु, मे बी यू आर गिविंग इट टू योर किसान क्रेडिट कार्ड, मे बी यू आर गिविंग इट टू हाउसिंग सेक्टर. सो दीज आर द थ्री विच इज बींग कवर्ड. Yesterday they talked about MSMEs. So MSMEs basically access this Shishu fund. So that's how a very limited approach till now. We are still looking at this, amount of money that is coming up. That is 9 lakh crore rupee through RBI and some 5.5 lakh crore rupees yesterday and some 2 to 3 lakh crore rupees today. The whole tranche coming up to around 18 lakh crore already. So what else can be expected tomorrow still remains to be seen, but दिस इज वॉट द गवर्नमेंट हैज गिवन अस सो फार. तो आपको जो है इसको नेक्स्ट कल की वीडियो के अंदर हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने लास्ट माइल रिजॉर्ट से क्या क्या तैयारी की है और आगे आने वाले समय में जो लॉकडाउन के अंदर जो रियायतें मिलनी हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, अपना जो काम है वो किस तरह से शुरू कर पाएंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो कैसे आगे तैयारी कर पाएंगे. तो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. सो डू सब्सक्राइब एंड to this channel and share this video with your friends so that they can update your class notes accordingly. Okay, so in case you have any queries, you can write in to me at my email ID and follow me on my Telegram channel. Thank you so much for tuning in and God bless you all. Stay home, study safe, try not to expose yourself too much once the relaxations are there. Okay, Abhimanyus for that matter is providing you with online classes of all kinds, of all subject specific as well as throughout full GS pre-com mains course. So if you want to utilize that, you can check out the links given in the description and from there you can access those courses. Thank you so much. God bless you. This is me, Abhishek Sharma, signing off.